Good morning children. Today is Thursday and it's time to learn English. Children, in today's class, I'm going to teach you to read the story A Fat Cat. And today we will read the complete story in one go. Children, after that, I will teach you to write cursive A. Then children, we will learn to read and write page number 23 of Phonics Pupil Book. And after that, we will practice our rhyme simple sign. So children, let's start our today's class. Children, now bring your Fitzroy reader book. Children, today we will read story number 1 complete. Okay, aaj hum ek saath puri story ko Alright, now open page number 4. Now see, children uh, pay attention how I am reading. Okay, now see, a. Uh, वेन ए इज ऑल अ लोन तो उसका साउंड क्या होगा अट 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 ये क्या है एक बिल्ली है अट है क्या है एक बिल्ली नाउ द नेक्स्ट वन अम एट अट अट एक मैट है ये क्या है एक चटाई फिर से बोलेंगे इट अगेन अम ऐट मैट यूज द साउंडस Okay, in this way you'll be able to read easily. Now, next is page number six. Now look at the picture. Kis ki picture hai ye. Okay, this is a rat. A rat. A rat. A chooha. Now this one page number seven. A f at a fat at a cat. फैट कैट अब ये बिल्ली जो है ये कैसी है ये तो बहुत मोटी है फैट मतलब मोटी लुक एट लुक एट दिस पिक्चर ये बिल्ली कैसी दिख रही है आपको कितनी मोटी है है ना ये फैट है अ फैट कैट ये तो बहुत सारा खाना खाती है इसलिए ये बहुत मोटी हो गई है नाउ टर्न द पेज पेज नंबर एट अट अट कैट On a, on ऑन a, mm, at a mat, a fat cat on a mat. एक मोटी बिल्ली कहाँ है मैट के ऊपर एक मोटी बिल्ली खड़ी है मैट के ऊपर एक मैट के ऊपर है ये देखो आप एट द पिक्चर दिस कैट फैट कैट इज ऑन अ मैट मैट के ऊपर है ये ऑन मतलब ऊपर चलिए नाउ पेज नंबर नाइन एट अ फैट क एट अ कैट एट अट ऑन अन अट 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 कैट सैट ऑन अ मैट अब ये जो मोटी बिल्ली है कहाँ पे बैठ गई है मैट के ऊपर है ना देखो आप अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट मैट के ऊपर ऑन मतलब ऊपर है किसके ऊपर है मैट मतलब चटाई के ऊपर है बैठ गई है अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट टर्न द पेज नाउसी पेज नंबर टेन अ a अ फैट क a अ कैट ए rat. एंड अट cat कैट एंड rat. एक मोटी बिल्ली और एक चूहा एंड मतलब और एक मोटी बिल्ली और एक चूहा पेज नंबर इलेवन अट अ फैट क एट अ कैट एंडी एंड अ अट 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 ऑन अ ऑन अट अट कैट एंड अट ऑन अट एक मोटी बिल्ली एंड मतलब और और एक चूहा बैठ गए किसके ऊपर मैट के ऊपर एक मोटी बिल्ली और एक चूहा बैठ गए मैट के ऊपर नाउ सी लुक एट दिस पिक्चर इस मैट के ऊपर एक मोटी बिल्ली है और एक चूहा है अट है Now turn the page. Page number 12. A f at a fat ka at a cat. a at at fat, cat, नाउ टर्न and a r at a rat, a एंडी एंड and a b at a bat. अब नाउ लुक इट दिस पिक्चर इस पिक्चर में कौन कौन है अ फैट कैट bat. एंड fat अ फैट कैट एंड and एंड bat. एक मोटी बिल्ली और एक चूहा और एक बैट बैट मतलब चमगाट अट अटी एंड अ अट एट अट अट कैट एंड अंड ऑन मैट। एक मोटी बिल्ली एक और एक चूहा और एक चमगादड़ कहा बैठ गए मैट के ऊपर नाउ यू नो ना एंड क्या होता है साइट वर्ड होता है और हम इसमें साउंड यूज नहीं करते सो यू फाइंड एंड उसको हमें ऐसे डायरेक्ट पढ़ना है ऑल राइट नाउ टर्न द पेज द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी अ ऑन अट बैट ऑन अ ऑन एट कैट इन एट अ हैट ऑन अम्म बैट नाउ लुक एट दिस पिक्चर ये जो रैट है ये किसके ऊपर है बैट के ऊपर देखो मतलब इसके ऊपर है ये चमगादड़ के ऊपर है हम्म, बैट ऑन अ बैट ऑन अट और बैट किसके ऊपर है इस कैट के ऊपर है और कैट कहाँ है? हैट के अंदर अ कैट इन अट जो कैट है वो हैट के अंदर है हैट मतलब ये जो बड़ी सी जो टोपी है इसके अंदर घुसी हुई है और ये जो मैट किस और ये जो हैट है ये किसके ऊपर रखा हुआ है ऑन अ मैट ये जो हैट है ये मैट के चटाई के ऊपर है आई होप चिल्ड्रन नाउ यूर एबल टू रीड दिस स्टोरी द वे आई टॉट यू children today again i will teach you to write cursive a so children look at the board Now, see, children, I have put two dots here. So, these are to support you. Understand these two slanting dots in a slanting position, isn't it? Now, see, this is today's date. Today is 7th January 2021. And let's start. So, you have to start from here. From this corner, you have to make a slanting line first. You have to go up. Go forward, come back, make a C first, and then go up, and then come down on the same line and make a small tail. In this way, you have to write small A, and you will not remove your hand. Okay? Like this. Make a slanting line first. Go forward, come back, make a C first, then go up touch the starting point and come down like this okay in this way you have to write a cursive a see you will if you will write it like this this is wrong

Write today's date. Today is 7th January 2021. Like this. And write classwork also. Now let's start from here. See, I have made two dots. Now from here, you have to go up. From the second blue line, you have to go up. On the first blue line, make a C, then go up, come down. Like this, you have to write A c make a slanting line go forward come back make a c and then go up come down on the same line and make a small tail like this you have to write cursive a you have to write in all the remaining lines of this same page okay see एंड राइट इन वन गो आपको बार बार हाथ नहीं हटाना है एक बार पूरा कंप्लीट करके उसके बाद ही आपको हाथ हटाना है ऐसे चिल्ड्रेन नाउ सी आई एम ऑन द लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज सो इन दिस वे यू हैव टू राइट ए लुक केयरफुली हाउ आई एम राइटिंग इन द सेम वे यू हैव टू राइट ओके फर्स्ट मेक अ स्लांटिंग लाइन फर्स्ट लाइन मेक अ सी देन गो Take ऑन द सेम लाइन इन to दिस बच्चों अब की बारी है तो आज बारी है हिंदी का प्रैक्टिस वर्क करने की तो हमने जिस पेज में इया लिखा था उसकी बाकी के रिमेनिंग लाइंस में हम छ छिया पूरा एक साथ लिखेंगे ठीक है तब तो आप देखो च क्या पहले सबसे पहले आपको डेट लिखनी है आज की आज है सेवेंथ जनवरी 2021 इस तरह से और यहाँ पे डेट क्लास बुक भी लिख देंगे ठीक है अब हम च लिखेंगे तो फर्स्ट जो लाइन हैं उसमें च आएगा तो पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे दोनों ब्लू लाइन के बीच में एक स्लीपिंग लाइन और फिर एस से इसको जोड़ देंगे इस तरह से आपको च लिखना है तो इस तरह से आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे है ना हो गया च के बाद आता है छ छ से छाता यहां से हमको पहले एक छोटा सी बनाना है फिर एक बड़ा सी बनाते हुए ऊपर जाना है और इसको अंदर से ऐसे बाहर लाना है ऐसे तो छ बना के उसके ऊपर छत लगानी है ऐसे देखो यूं करके फिर इसके ऊपर छत लगा दी अब छ के बाद बारी आती है ज की ज के लिए आपको दोनों ब्लू लाइन में आपको सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है इस स्टैंडिंग लाइन से लगा के एक स्लीपिंग लाइन बनानी है फिर ये नीचे जाना है ऐसे ये है ज और फिर छत लगा देनी है जैसे क्या क्या होता है से जहाज से जिराफ से जग और से जल जल मतलब पानी इस तरह से आपको ज लिखना है ज के बाद आती है बारी झ से झंडा की तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बनाई और ई से इमली बनाई ई से इमली बनाई और फिर एक स्टैंडिंग लाइन उसके पास में बनाई और दोनों को एक स्लीपिंग लाइन से मिला के फिर एक छत लगा दी ध्यान से देखो आप जैसे मैं लिख रही हूं छोटी ई स्टैंडिंग लाइन बीच में स्लीपिंग लाइन और फिर छत ऐसे इसके बाद बारी आती है इया इया है खाली बच्चे बचाओ ताली तो आप स्टैंडिंग लाइन बनाई बीच में उल्टा सी बनाया और उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और बीच में एक स्लीपिंग लाइन लगा के ऐसे मिला देंगे इस तरह से और इस तरह से आपको ये पेज पूरा कंप्लीट करना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है Children now bring phonics pupil book 1 and open page number 20 Children, as you can see, we did this page. हमने ये पेज कर लिया है, लेकिन today again we will revise it. Since यहाँ पे देखो आप ये two letters है, है ना? ये two vowels हैं और इनका sound करना है हमको. वापस से हमको इसको revise करना है so that we can understand ताकि हमको समझ में आए. walking जब ये दो vowels चलते हैं साथ में रहते हैं तो जो पहला वाला जो लेटर है वो टॉक करता है मतलब उसकी आवाज निकलेगी इसकी आवाज नहीं आएगी ओके लाइक ए आई है तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों को साथ में लॉन्ग ए A. A, A, A. ऐसे हमको बोलना है ओके नाउ सी दिस इज द एक्शन कप योर हैंड ओवर योर इज इफ यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग एनसे आज आपको अपना जो हाथ है वो कान के पे रखना है जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और आपको ऐसे ए, ए की आवाज निकालनी है ऑल राइट right? अब देखो आपको मैंने इस, इसको हिंदी में भी अच्छे से समझा दिया है चिल्ड्रेन यू हैव फिनिश दीज टू लाइन्स आपने ये दोनों लाइन्स कर ली है तो लेट्स रीड दिस वर्ड ओके ए न देखो आप इसको ऐसे पढ़ना है रेन आर द टू वॉवल्स तो इसमें जो पहला वॉवल है उसकी हमें आवाज निकालनी है ओके रेन लाइक दिस ट ए टेल प ए डेड स्नेल नाउ सी एज यू नो रेन मतलब बारिश ये देखो आप बारिश हो रही है टेल टेल पूछ होती है जैसे डॉग की टेल होती है कैट की टेल होती है पेड मतलब कीमत चुका दी जब भी आप कोई चीज लेते हो तो आप उसका पैसा देते हो है ना तो वो पेड होता है स्नेल स्नेल क्या है ये दिस इज अ स्नेल ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जिसको हम घोंगा बोलते हैं हिंदी में सो लेट अस रीड दीज वर्ड्स अगेन र A Rain Tail Snail. So children, today we have revised page number twenty of phonics pupil book. Hai? I hope now you are able to understand. Make your videos on the reading of these words. Children, now it's time to recite our new rhyme, Simple Simon with actions. Simple Simon met a Pyman. Going to the fair. Said Simple Simon to the Pyman. Let me taste your will. Said the Pyman to Simple Simon. Show me first your penny. Said Simple Simon to the Pyman. Indeed, I have not any. Children, in this way, you have to learn and recite this rhyme with actions. Make your videos on it and send them to me. Bye-bye.